की मात्रा को कम करता है गामा ओरेगानो, और आपकी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाता है, जो हम सभी के लिए जरूरी है। आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, साथ साथ जापान ने भी इसको एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। भारत ने भी आज इसकी पावर को रिकॉग्नाइज करा है, इसको एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से नियुक्त पाया गया है। साथ साथ गामा ओरेगानो को बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार साबित होता है, ऐसा हमारी भारत सरकार का मानना है। द ट्रिब्यून नाम के न्यूज़पेपर में पब्लिश ये स्टेटमेंट है, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की स्टेटमेंट है, जो मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है। इनका कहना है कि अगर आप गामा ओरेगानो का इस्तेमाल करते हैं तो ये बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन की समस्या से भी आपका बचाव करता है। तो आज हमें इन सभी डॉक्टर्स की बात माननी है, ये एलोपैथिक दवाइयों के विख्यात डॉक्टर्स है, और इनकी बात मानकर आज हमें गामा ओरेगानो का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर सपना चतुर्वेदी, जाने मानी सीनियर डाइटिशियन एम्स न्यू दिल्ली में, इनका मानना है कि आज आप अपनी दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं गामा ओरेगानो के माध्यम से, क्योंकि आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को कम करता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बीमारी की तरफ, एक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसका नाम है डायबिटीज। हम जानते हैं भारत डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है 2025 तक, और अगर हम चाहते हैं कि बढ़ते दर्द को कम करें तो आज हम सभी को गामा ओरेगानो की जरूरत है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि भारत में इसकी गंभीरता कुछ इस प्रकार से है। डेटा के माध्यम से ही समझते हैं, 7.7 करोड़ व्यक्ति डायबिटिक हैं, ये 2016 का डेटा है। इसके बाद कोविड का वक्त आया और हम सभी जानते हैं कि कोविड के वक्त के बाद डायबिटीज के मरीजों की संख्या भारत में दिन प्रतिदिन व्यापक तरीके से एक्सपोनेंशियल नंबर पे ये बढ़ा है। तो आज हम सभी को जरूरी है कि हम गामा ओरेगानो का इस्तेमाल करें, और इस बढ़े हुए ब्लड शुगर को मैनेज करने में मददगार साबित होता है। इसको बेहतरीन तरीके से नेचुरल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, आज इसके ऊपर कई स्टडीज हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं इन सभी स्टडीज को www.original.in साइट पर, जो साफ तौर पे बताती है कि चाहे इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज हो या फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण हो, आज हर एक कारण को कॉम्बैट कर सकता है गामा ओरेगानो। आज इसके ऊपर कई हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। नव भारत न्यूज पुणे में ये प्रकाशित आर्टिकल है, जो साफ तौर पर बताता है कि गामा ओरेगानो के मदद से हम शक्करा के स्तर को मैनेज कर सकते हैं, चयापचय दर को बढ़ा सकते हैं, यानी मेटाबॉलिक रेट को हम अपनी बढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जरूरी है, और इसका प्रयोग करना हम सभी के लिए जरूरी है। आज डॉक्टर चारू दुआ, जो जानी मानी न्यूट्रिशन और डाइटिक्स है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, इनका मानना है कि चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति हो, टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है गामा ओरेगानो। साथ साथ मैम का ये भी मानना है कि आज यह आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, और वेट लॉस में मददगार साबित होता है। आइए बढ़ते हैं एक और बीमारी की तरफ, जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हम जानते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक मार्केट भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप अगर देखें तो 2025 तक ये फोरकास्टेड है कि 7.1% की दर से आगे बढ़ने जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि सभी प्रकार के न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से बचें, तो उसके लिए आज हम सभी के लिए गामा ओरेगानो की जरूरत है, क्योंकि आज गामा ओरेगानो आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। आपके तंत्रिका तंत्र में जो गड़बड़ियां आती हैं, जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के कारण होता है, आज उसको सही करने में मदद करेगा, आज उसको प्रिवेंट कर सकता है। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जाने माने डॉक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इनका मानना है कि आज अगर आप गामा ओरेगानो का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आज आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि डिमेंशिया, पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी कई ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जो ऑक्सीडेशन के कारण होती है, आज उसको रिड्यूस करने में मदद करता है गामा ओरेगानो। आइए बढ़ते हैं एक और बीमारी की तरफ, जो है एक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और है भयानक बीमारी जिसको मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है, जिसका नाम है कैंसर। जी हाँ, आप कैंसर जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल सेशन दिया है। हमने जाना है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी का दर भी आज भारत में बढ़ता जा रहा है, और वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि भारत में कैंसर बर्डन 2018 की बात करें तो 1.16 मिलियन न्यू कैंसर केस भारत में ऐड हुए हैं सिर्फ 2018 में। अगर हम चाहते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में भी हम कैंसर की दर को नियंत्रित रखें, इसको कम करें, तो उसके लिए आज आप सभी को इसको प्रिवेंट करने की जरूरत है।
इससे बचाव करने की जरूरत है और बचाव करने के लिए आज आप सभी को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। जी हाँ, आज एक कैंसर जैसी बीमारी से भी आज आपको बचा सकता है, ऐसा डॉक्टर राहुल भार्गव जी का मानना है जो फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत है। इनका साफ तौर पर कहना है लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से आप इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। ये आपके एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है जिसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस से भी आज ये इनहिबिट करता है इस प्रोसेस को, जो कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई मिलती है उसको रोकने का काम करता है और इसके माध्यम से कैंसर जैसी बीमारी से आपको बचाता है। बढ़ते हैं गैस्ट्राइटिस की समस्या पे। हम जानते हैं कि इसके कारण भी आज हमारी यंग पॉपुलेशन आज इससे पीड़ित है। 25 से लेकर 33% व्यक्ति आज भारत के ऐसे है जो इस समस्या से पीड़ित है। तो आज अगर आप चाहते हैं अपनी पेट की समस्या को सही करना, गैस्ट्रिक ट्रबल्स को सही करना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को बेहतर बनाना, तो आज आपको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसे एक एंटी अल्सर एजेंट का दर्जा दिया है। डॉक्टर अनिल अरोरा जी, जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में कार्यरत, इनका साफ तौर पर मानना है कि आज आप अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को बेहतर बना सकते हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। आज आप अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। एक प्रकार का डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन जो डाइजेशन की प्रोसेस में डैमेज से बढ़ते हैं एक और बीमारी की तरफ, जो एक प्रकार से लाइलाज बीमारी कही जाती थी जब तक गामा ओरिजिनॉल का उदय नहीं हुआ था, इसके बारे में लोगों को पता नहीं चला था। तो आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज इस लाइलाज बीमारी का इलाज है गामा ओरिजिनॉल, जिससे 4.2 करोड़ व्यक्ति पीड़ित थे, 2016 का ये डेटा है। तो आज अगर आप चाहते हैं कि हाइपोथायरायडिज्म की समस्या से निजात पाना, तो उसके लिए आपको गामा ओरिजिनॉल लेने की जरूरत है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल आज इस बीमारी का क्योर है, ऐसा डॉक्टर एस पी वायतर जी का मानना है। तो आज आप इफेक्टिवली इस बीमारी को सही कर सकते हैं और हमारी केंद्र सरकार ने भी ये साफ तौर पे इसको स्वीकृति दी है एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, जिसके माध्यम से आप हाइपोथायरायडिज्म की समस्या को सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक और बीमारी की तरफ, जो एक प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर है, तनाव और एंजाइटी, जो आज अनेकों प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स का जनक बन चुका है। 74% भारतीय ऐसे हैं जो तनाव से ग्रसित हैं, 88% भारतीय ऐसे हैं जो एंजाइटी से ग्रसित हैं। तो आज अगर हम चाहते हैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, तो आज डॉक्टर प्रतिपर डोगरा जी की बात माने जो डब्लू प्रतीक्षा हॉस्पिटल में कार्यरत है। इनका साफ तौर पर कहना है कि गामा ओरिजिनॉल की मदद से आज आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं, जिसमें इंसोमिया की समस्या भी आती है, नींद ना आने की समस्या, क्योंकि आज ये आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। नेचुरल स्लीपिंग एड की तरह इसको कोरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हमने समझा कि अनेकों प्रकार की बीमारियों का आज ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बन चुका है। जी हाँ, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल है, अनेकों प्रकार